सिक्कर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर पिपराली सर्किल के पास एक दुकानदार पर बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दुकानदार फायरिंग में बाल बाल बच गया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले के अनुसार राकेश नाम के बदमाश ने दुकानदार मनीष कुमार पर फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। गोली जो मनीष कुमार के पास से निकल गई और शीशे में लग गई। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद उद्योग नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक पर सवार होकर आए बदमाश राकेश अपने साथी के साथ आया और वहां दुकान की तरफ फायरिंग की और फरार हो गया। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले भी राकेश कुमार ने दुकानदार मनीष पर रंगदारी की मांग की थी, जिसकी शिकायत मनीष कुमार ने थाने में कर दी थी, जिस पर राकेश को गिरफ्तार कर लिया था। अब राकेश ने आज दुकानदार पर फायरिंग से फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पिपराली चौराहे के पास सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट और परचून की दुकान है, उस पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की थी। इसकी सूचना पर मौके पर आए, जिसकी जांच की जा रही है। कोई इसमें नामजद वगैरह कुछ बता रहे हैं? नामजद एक राकेश मीणा है, जिसकी पहले भी इनसे रंजिश थी, उसका नाम लिया जा रहा है। कितनी फायरिंग की, कितनी गोलियां चलाई हैं? 2 फायरिंग दिखाई दी। कोई हतायत थोड़ी है? नहीं, कोई हतायत नहीं। 2 बाइक पर 2 सवार आदमी आए, जिसके पास एक वे राकेश मीणा नाम है का, उसके पास 2 हाथों में दोनों पिस्टल थी। वो आया, आके सीधा फायरिंग करी। मैं थोड़ा सा छिप गया तो शीशे पे लग गई। हाँ, कोई पुराना कोई टाइम में क्या बोल गया? जाते टाइम बोल के गया कि है ना, आपको जांच कोई पुरानी